वेलकम बैक एवरीवन। आज की रैंक पुशिंग वीडियो बहुत खास है, इसलिए आज हम सीखेंगे बेस्ट यूज ऑफ मिनी लॉन्च पैड, व्हाट इज सेंटिनो रियल एबिलिटी, एडवांटेज ऑफ स्टेयरकेस एंड व्हाट इज जिग जैग इन बीआर रैंक। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे एक कमाल की बीआर ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वाड बनाने की ट्रिक बताया था, लेकिन गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग रैंक पुशिंग करते हो तो हमेशा एक बात याद रखना, आपको खेलना है सीनियर प्लेयर के साथ। रैंक पुशिंग करते हो तो अपने से ज्यादा ऊंची लेवल के रैंकेड के साथ खेलो, ठीक है? मतलब अगर आपका स्टार है डायमंड पे है तो आप ही हमें चूज करना है हीरोइक प्लेयर। मैं भी ऐसा करता हूँ। ये ट्रिक सीखना है तो चलो सीखते हैं साथ। मैं आ चुका लॉबी पे। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा सा ड्रेस चूज करना, तो फटाफट से ड्रेस चेंज। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर दिया इसी के साथ। और गाइस ये जो ट्रिक है वर्ल्ड ट्रिक से, ठीक है, वर्ल्ड मैप से बुलाना आपको, वर्ल्ड चैट से। गाइस यहाँ पे देखो, गाइस यहाँ पे गाइस आपको पता चल रहा है कि बंदा वगैरह गाइस कितना भी आप लोग चूज करो, यहाँ पे आपको गाइस कोई बंदा सही से ढंग का मिलता नहीं है, ठीक है? अगर डायरेक्ट जाओगे यहाँ पे कोई ढंग का बंदा मिलता नहीं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ ग्रुप से निकलते हैं। एक काम करते हैं, चलो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग गाइस यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है? नीचे वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं। और इस बार गाइस हम लोग अगर यहाँ से क्लिक करेंगे, देखो गाइस इसके नाम पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायमंड रूट दिख रहा है गाइस, डायमंड 4 दिख रहा है गाइस, ठीक है? कोई ब्रॉन्ज पे गाइस, कोई प्लेटिनम पे गाइस, ठीक है? लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा कि यार रैंक कैसे पता करें, हमें सेम रैंक कैसे लाए, ठीक है? हम लोग का गाइस जो ऊंची लेवल का प्लेयर है सीनियर प्लेयर, वो सीनियर प्लेयर कहां से लाए, क्योंकि हम डायमंड पे। अब मुझे मास्टर का हीरो का प्लेयर चाहिए कि नहीं, तो एक काम करते हैं रिक्रूट में देखते हैं। रिक्रूट में भी गाइस मिक्सअप हो गया। अब यहां पे क्या मिक्स हुआ है, यहां पे गाइस क्लैश स्क्वाड भी बंदा आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, यहां पे बीआर रैंक का भी रिक्वेस्ट आ रहा है। अब हमें खेलना है बीआर रैंक, अब हमें गाइस चूज करना है गाइस ओनली बीआर रैंक का सीनियर प्लेयर। अब देखो इसमें क्या करूंगा, यहां पे गाइस ओनली मोड्स पे गाइस मैं बीआर रैंक लगाऊंगा। और ये जो स्क्वाड आप लोग देख रहे हो गाइस, स्क्वाड खेलना तो स्क्वाड पे चूज करो, डुओ खेलना तो डुओ पे चूज करो। ओके, तो गाइस हम लोग सिंपल सा स्क्वाड में चूज करेंगे और यहां पे गाइस छोड़ दे रहे, ठीक है? अब हमें क्या करना है गाइस, वापस एक बार सिलेक्ट करके यहां पे रिक्रूट पे क्लिक जाना है, ठीक है? देखो रिक्रूट पे क्लिक किया, एक गाइस रिक्वेस्ट आया है गाइस, ठीक है? अब देखो गाइस गौर से, तो एक रिक्वेस्ट आया है गाइस, यहां पे देखो गाइस एक रिक्वेस्ट है गाइस 94 पायल नाम से, एंड ये हीरोइक पे है गाइस। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ग्रुप में घुस जाना है। अब यहां पे देखो गाइस दो हीरोइक का बंदा है, ठीक है? अब दो बंदा हीरोइक का इसलिए है गाइस, ठीक है, मैंने चूज किया ये ट्रिक को। तो देखो गाइस ये जो प्लेयर्स है, अभी हीरोइक का प्लेयर है, इनको आईडिया हो चुका है कैसे स्टाइल पे गेम करते हैं, किस लेवल पे गेम पे करना है, ठीक है? क्योंकि ये सीजन में गाइस थोड़ा सा टफ हो चुका है गाइस, ठीक है? इसलिए मैं गाइस डायमंड का प्लेयर नहीं ले रहा हूं गाइस, क्योंकि मैं सेम डायमंड पे हूं गाइस, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं गाइस आप लोग भी हीरोइक का प्लेयर लो गाइस और जल्दी से रैंक पुशिंग करो अपनी स्टाइल पे। छोटी सी ट्रिक थी जो आपको रैंक पुशिंग करने में मदद करेगी। लेकिन क्या आपको पता है बेस्ट यूज ऑफ मिनी लॉन्च पैड, आपका गेम एक मिनी लॉन्च पैड आपको दिखता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग जोन से भागते हो, लेकिन स्केयरक्रो भाई कुछ अलग इस्तेमाल करता है। चलो देखता हूं गाइस ये जो ट्रिक है मिनी लॉन्च पैड का, ये ट्रिक मैं गाइस सोलो में यूज किया था, डूम में भी यूज किया था, स्क्वाड में भी यूज किया था, ठीक है? सब में परफेक्ट वर्किंग है, आप लोग भी यूज करना, ठीक है? तो गाइस यहां पे देखो गाइस हमें क्या करेंगे, हम लोग फटाफट से मिनी लॉन्च पैड यूज करेंगे और ये छत के ऊपर एम करेंगे, एंड यहां पे आप लोग डायरेक्ट आना गाइस, ठीक है? आप कोई भी छत पे जाओ, चाहे आप पीक में हो, क्लॉक टावर में गाइस, ठीक, कहीं पे भी हो, यहां पे गाइस एडवांटेज क्या मिल रहा है पता है, हाइट एडवांटेज। छत के ऊपर क्या मिलता है आपको, हाइट एडवांटेज। यहां से आपको बंदा जल्दी देख नहीं पाता है, आपको बस चाहिए गाइस मिनी लॉन्च पैड, ग्लू वॉल, एंड गाइस यहां पे आपको मार्क्समैन साइलेंसर वेपन गाइस, ठीक है? अगर आपके पास साइलेंसर वेपन है तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। यहां पे आपको ग्लू वॉल मैंने क्यों लगाया था, ताकि गाइस बंदा कहीं से मुझे मारे ना, ठीक है? यहां पे देखो मैं फिर से एक मिनी लॉन्च पैड यूज किया, एंड इस मिनी लॉन्च पैड को यहां पे आएगा, ठीक है? अब मेरा बुया होता है कि नहीं गाइस, एक्चुअल ये ट्रिक है, ठीक है? यहां पे देखो आपको इजीली हेड मिलता है, ठीक है? इजीली हेड, क्योंकि गाइस नीचे वाला बंदे को हम लोग आराम से हेड मार सकते हैं, ठीक है? अब ये बुया हो पाती है कि नहीं, ये भी चलो देखते गाइस, ठीक है? तो देखो गाइस मिनी लॉन्च पैड को मैंने काम कर दिया, अब बस मुझे हाइट एडवांटेज का काम करना है। आपको भी देखो गाइस मैं कैसे खेल रहा हूं, ठीक है? यहां पे मैंने थोड़ा गलती किया था कि मैं स्कोपिंग करके मार रहा था गाइस, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे देखो मैंने हील अप कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पे हाइट एडवांस लेके मैंने हेड शॉट भी खत्म कर दिया। देखो कितना इजी से मैं गाइस शॉटगन से भी हेड शॉट मार दिया ऊपर से गाइस, ठीक है? तो आप लोग भी ये मिनी लॉन्च पैड यूज करो ऐसे। ओके गाइस, आपको तो पता होगा सेंटिनो अभी आ चुका है फ्री फायर में, एंड ये बीआर रिंग में बहुत बंदे यूज नहीं कर रहे, लेकिन आखिर क्यों, इसका एबिलिटी क्या खराब है? चलो गाइस इसका पता करते हैं एबिलिटी ट्रिक। ओके गाइस मैं जो सेंटिनो लेके आया हूं गाइस, ठीक है, मैं कटलिस्टा में लेके आऊं, एंड कटलिस्टा में क्या हो रहा था गाइस, ठीक है? मैं सोलो रैंक खेल रहा था, अब क्या हुआ, यहां पे मैं एक जादू ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है? यहां पे देखो गाइस, ठीक है, सबसे पहले गाइस इस बंदे को मैं चकमा देके यहां पे खत्म किया गाइस, ठीक है? अब यहां पे क्या हुआ गाइस, मेरा पीछे गाइस बहुत सारे बंदे लग चुके थे, ठीक है? क्योंकि गाइस मैं सेंटिनो कैरेक्टर लेके आया था, अब सेंटिनो के पीछे सब लोग भाग रहा है गाइस, ठीक है? कहां गया ये बंदा कौन है? देखो इसमें इसको भी मारने की कोशिश किया, लेकिन यहां पे मैं एक सेंटिनो का जादू यूज करूंगा। अब देखो मेरा जादू क्या है, यहां पे सेंटिनो छोरा, उसके बाद आप लोग देखो गाइस, ठीक है, यहां पे देखो सेंटिनो ने एक डेकोय छोरा, मतलब गाइस इसने गाइस एक डेकोय छोरा। अब ये जो डेकोय काम कैसे करते हैं
आप लोग देखो, अगर कोई बंदा गाइस यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी टच किया, आपको सीधा सेंटिनो की डेकोय पे क्लिक करना है एंड आप लोग अंदर आ जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप लोग बाहर में रहोगे एंड सेंटिनो का जो डेकोय अगर बीच में रहेगा घर का अंदर, तो आप लोग बाहर से फिर अंदर भी आ जाओगे, ठीक है। मतलब इस तरह के एबिलिटी दिमाग से यूज करोगे, ठीक है। मतलब आप लोग रश भी करोगे गाइस दिमाग से कर सकते हो। तो सेंटिनो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ओवर पावर्ड है, लेकिन उतना भी नहीं। बहुत से बंदे मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि स्केयरक्रो पे मेरे टीममेट मेरा बात नहीं सुनता है, चाहे वो रैंडम हो चाहे या मेरा स्क्वाड ही क्यों ना, खुद का ही क्यों ना। okay, ठीक है काम करते हैं, चलो इसका भी सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। रैंडम का नहीं बात नहीं करेंगे, एक काम करते खुद का टीममेट का बात करते, ठीक है, जो मेरा खुद का फ्रेंड है गाइस, ठीक है। तो एक काम करते चलो अब से गाइस हम लोग काम करते, आपके चार बंदे रहे गाइस, आपके चार बंदे में से गाइस हमेशा एक बंदे को हमेशा आईजीएल बनाओ, ठीक है। मतलब गाइस इन गेम लीडर, अब देखो हमेशा एक एक बंदे को हर मैच में आईजीएल बनाओ, ठीक है। आप लोग को गाइस ये गौर करना है कौन सा बंदा अच्छा आईजीएल करता है, किस बंदे के आईजीएल के कमांड में गाइस वो गेम बुइया है गाइस, ठीक है। अगर गाइस मान के चलो आप एक बंदे हो, ये बंदा और ये बंदा, ठीक है। अगर भाई मान के चलो आपके गेम में गाइस आईजीएल करने के बाद अगर बुइया हुआ, तो गाइस मैं चाहूंगा आपको अगले बार जो अगर आप लोग गेम खेलोगे उसमें आप ही आईजीएल करो, ठीक है। ऐसे ऐसे दिमाग से आपको हमेशा आईजीएल चुनना है, क्योंकि आईजीएल जो है ना गाइस ई स्पोर्ट में बहुत काम आते हैं एंड उन अननेसेसरी कॉल्स नहीं देता आईजीएल, ठीक है, हमेशा ये याद रखो। तो हमेशा आईजीएल चुनो गाइस ताकि बुइया का कॉल हमेशा परफेक्ट हो, ओके गाइस। और गाइस मैंने एक चीज दिखा है कि जो रिवाइव के बाद जो बंदे लोग करते हैं गाइस एक गलती करते हैं, ठीक है। मतलब रिवाइव होने के बाद एक गलती है, चलो मैं आपको दिखा कौन सा गलती है। फ्रेंड्स यहां पे देखो मेरे को पीछे से कोई बंदा मार रहा था, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। अब ये जो मिस्टेक है गाइस ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मेरे साथ हो गया था गाइस, ठीक है। यहां पे देखो मैं मर चुका हूं, ठीक। अब क्या हुआ, ये मेरा टीममेट है, ये मुझे रिवाइव करने जाता, लेकिन यहां पे एक बंदा मिलता है, लेकिन ये अपना जान में जोखिम डाल के ये मुझे रिवाइव करता है, ठीक है। आप लोग देखो गाइस ये मुझे रिवाइव तो किया, लेकिन मेरा दिमाग क्या था, आपको भी पता है गाइस आपका भी दिमाग यही चलता है, मुझे पता है, ठीक है। आप और हम क्या करते हैं, हम लोग गाइस रिवाइव होने के बाद गन के लूट करने के चक्कर में गाइस एयरड्रॉप लूट करते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्ट गाइस वही एयरड्रॉप में जाते हैं, मैं पहले से रेड अलर्ट पे कि यहां पे मत उतरो, कि यहां पे मत उतरो, ठीक है। लेकिन हम लोग तभी भी इस एयरड्रॉप पे उतरते, ठीक है। यहां पे लेकिन बंदा था, आप लोग देखो गाइस हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग को एयरड्रॉप लूट करने के चक्कर में यहां पे देखो मेरे को एयरड्रॉप से बंधन ने टपका दिया, मतलब वो बंदा एयरड्रॉप लूट कर रहा था। अब गाइस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आप लोग कभी भी गाइस अपने टीममेट की गाइस ये वैल्यू एडन का प्राण जो गाइस उसने जोखिम में डाल के आपको बुया के लिए गाइस उसको रिवाइव किया, भाई इतना तो मत गलती करो, है कि नहीं गाइस। मैं और आपसे ये गलती नहीं करेंगे और हम लोग घर की लूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्टेयरकेस फाइट, स्केयरक्रो भाई जल्दी बताइए ना स्केयरक्रो भाई। अच्छा ठीक है, देखो स्टेयरकेस फाइट ये एक ऐसा फाइट है, आपको देखो गाइस आप लोग एक हमेशा याद रखना गाइस, अगर आप लोग स्टेयरकेस फाइट करते हो तो गाइस ये सीरी है ना गाइस ये हाइट एडवांटेज में काम आता है। जैसे मैं आपको मिनी लॉन्चपैड का बताया था, ये स्टेयरकेस भी हाइट एडवांटेज में काम आता है। लेकिन कैसे, तो देखो गाइस अगर कोई बंदा गाइस ठीक है, अगर आपका कोई बंदा आपसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, आपको सिंपल सा गाइस कवर लो, उसके बाद आपको क्या करना है ऊपर जाओ, ठीक है। ऊपर जाओ मतलब घर की छत के ऊपर, आप लोग छत के ऊपर डायरेक्ट कवर लो। यहां पे कवर लेने के बाद अब देखो कोई बंदा अगर आपको हाफ डैमेज भी किया होगा ना, कम से कम वो बंदा आपके घर के ऊपर रश करने जरूर आएगा। अब देखो जैसे वो रश करने आएगा आपको मेडिकेट मारना है, सीधा उसको खत्म कर देना, ठीक है। जैसे मैंने इसको खत्म किया, आप लोग देख पा रहे हो स्केयरक्रो गेमिंग की ये वीडियो भी आप भरपूर शेयर एंड लाइक करोगे, आप लोग के प्यारे भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलती है एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।